हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। हम लोग वर्क दो की तैयारी कर रहे हैं एमपीटेट की। अभी तक हमने दो यूनिट्स कर चुके हैं, अब हम लोग तीसरा यूनिट के बारे में बात करेंगे जो है हमारा ज्योमेट्री ज्यामिति। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जब आप हमारे वीडियो देखते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसकी क्लियरिटी नहीं आ पा रही है वीडियो की, तो आप कृपया जब आप वीडियो देखें तो सेटिंग में जाकर उसको एचडी क्वालिटी में देखें ताकि वो क्लियरिटी आपको वीडियो दिखे। ठीक है, आइए हम अपने लेसन चालू करते हैं। इसका नाम है ज्यामिति, ज्यामिति ज्योमेट्री। आपका ये एक बहुत ही रोचक यूनिट है। इसमें हम लाइन, शेप्स, ट्रायंगल्स, इस टाइप की इसमें चीजें देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला इसमें पॉइंटेड रेखाखंड, ये आपका एक्स्ट्रा भी है, इसको भी देखते रहिएगा। पहला तो पॉइंटेड रेखाखंड या सेगमेंट क्या होता है? रेखाखंड दो पॉइंट ले लेता हूं मैं, ए और बी। मैंने दो पॉइंट ले लिया, इनको ज्वाइन करा। ठीक है, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट, दो बिंदुओं को मिलाने वाला एक सेगमेंट, ये आपका होता है रेखाखंड। यदि इसी सेगमेंट को हम लोग आगे की तरफ बढ़ा दें, इसी सेगमेंट को हम लोग आगे की तरफ बढ़ा दें तो वो आती है आपकी लाइन। दो बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी आपकी सेगमेंट होती है, और यदि इन बिंदुओं को आगे की तरफ बढ़ा दें तो हमारी होती है लाइन। या ध्यान देने वाली बात है, यहां से ऑब्जेक्टिव आपको बन सकता है। ठीक है, अगला है इसमें समांतर रेखा है। पहले लाइन ध्यान दीजिए, एक लाइन मैंने ये ले लिया ए बी, एक लाइन मैंने ये ले ली सी डी। ठीक है, हमारे पास यहां पर दो लाइन है, एक लाइन ये ले ली गई है और एक लाइन ये ले ली गई है, ए बी एंड सी डी। ये दो हमारी लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन या समांतर रेखाएं कहलाएगी यदि इनके बीच बनने वाला एंगल कितना हो, इनके बीच बनने वाला एंगल हो 0 डिग्री। इनके बीच बनने वाला एंगल 0 डिग्री हो, या तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा हो सकता है, या फिर इनकी दूरी समान हो। जैसे यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग P, यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं Q। मान लीजिए ये डिस्टेंस आया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक पॉइंट में यहां ले लेता हूं M, एक पॉइंट यहां ले लेता हूं N, ये भी डिस्टेंस है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी कैसी होती है? बराबर होती है, और उनके बीच बनने वाला कोण क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि वे कभी नहीं मिलती हैं। पैरेलल लाइन समांतर रेखाएं रेल पटरियों के समान होती है, जो बिल्कुल सीधी आपकी जाती आती है, जिनमें एक निश्चित बिंदु पर निश्चित दूरियां होती है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा प्रतिच्छेदी रेखा या इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, एक लाइन ही ले लेता हूं मैं ए बी, एक लाइन ही ले लेता हूं मैं सी डी। अगर दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं या विभाजित करती हैं तो वो आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, और जो इनका कटान बिंदु होता है जहां पर वे एक दूसरे को काटती हैं वो उसे कटान बिंदु या इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां पर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उसे कटान बिंदु या इंटरसेक्टिंग पॉइंट या प्रतिच्छेदी पॉइंट कहा जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो केवल उनको एक दूसरे एक बिंदु पर काटती है। एक रेखा ये आ गई आपकी, एक रेखा आ गई, अगर ये अलग किस डायरेक्शन में जा रही है या किस डायरेक्शन में जा रही है, तो दो रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर ही काटती हैं। ठीक है,
परपेंडिकुलर लाइंस या लंबवत रेखा है। यदि दो रेखाओं के मध्य 90 डिग्री का कोण हो, यदि दो रेखाओं के मध्य 90 डिग्री का एंगल बने तो वे लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। उसमें उल्टा टी क्या बनता है आपका, उल्टा टी। ध्यान दीजिए, एक लाइन ही आ गया आपका ए बी, एक लाइन ही आ गया आपका सी डी। इनके बीच यदि एक लाइन हमारी सी डी है, एक लाइन ए बी है, यदि इन दोनों के मध्य 90 डिग्री का एंगल बनता है, यदि इन दोनों के मध्य 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वो हमारी लंबवत रेखाएं कहलाती है। एक लाइन है कि हमारे ए बी, एक लाइन है कि हमारे सी डी, यदि इन दोनों के मध्य 90 डिग्री का एंगल बनता है तो हमारी लंबवत रेखाएं कहलाती है। ये ध्यान देने वाली बात है, ये एग्जाम में आता भी है, लंबवत रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। आगे देखिए, इसमें अगला टॉपिक आता है कोण, एंगल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेते हैं न्यून कोण। एक्यूट एंगल, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से आपका छोटा हो। कैसा हो आपका, 90 डिग्री से छोटा हो, वो आपका होता है न्यून कोण। ऐसा एंगल जो आपका 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। यहाँ पर थीटा की वैल्यू या एंगल की वैल्यू कितना मान लें, 20, 30, 40, तो ये आपके सारे न्यून कोण कहलाते हैं। पॉजिटिव है आपका, थीटा कैसा हो, 90 से कैसा हो, छोटा हो, तो आपको न्यून कोण कहलाता है। अब यदि इसी को हम आगे बढ़ा दें, इसी को स्ट्रेट कर दें, तो ये हमारा हो जाता है यहां पर 90 डिग्री। ये हो जाता है हमारा यहां पर 90 डिग्री। हम तीन चीज लेते हैं यहां पे अभी, पहला 90 लेते हैं, 90 से छोटा लेते हैं, 90 से बड़ा लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। एक्यूट एंगल क्या था आपका, जो 90 डिग्री से छोटा होता है। ऑब्जेक्टिव का पर्पस से आपका एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का हो। यहां पर थीटा की वैल्यू कितना हो आपकी, 90 डिग्री का हो, राइट एंगल या समकोण, इसे क्या बोलते हैं, समकोण कहते हैं। यदि एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा हो, कैसा हो आपका, 90 डिग्री से बड़ा है। यदि एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से आपकी कैसी हो, बड़ी हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूस या अधिक कोण। उसे क्या बोला जाएगा, ऑब्ट्यूस या अधिक कोण। इन तीनों को मैं इसमें समझाया था, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ऐसा ले लीजिए इसको। ठीक है, यहां पर ये हमारा है 90 डिग्री, समकोण है आपका। ठीक है, जब इस लाइन से हम लोग इधर आ जाते हैं, इट मीन्स 90 माइनस थीटा, यहां पर जो भी एंगल की वैल्यू होगी वो 90 से कैसी होगी, छोटी होगी। यदि आपकी एंगल जो भी हो 90 से छोटा होता है तो उसे न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहा जाता है, उसे न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहा जाता है। और यदि आपके एंगल की वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, एंगल की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री हो, तो वो आपका समकोण
आपका समकोण राइट एंगल होता है, और यदि आपके एंगल की वैल्यू 90 से बड़ी हो, एंगल की वैल्यू 90 से कैसी हो, बड़ी हो, तो वो आपका होता है ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण, तब वो आपको कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण। तीनों का सिंपल सा डेफिनेशन है, 90 से छोटा है तो न्यून कोण है, 90 है तो आपका समकोण है, 90 से बड़ा है तो अधिक कोण है। इसको नोट कर लीजिए, वो तीसरी टॉपिक है। ठीक है, अब कोण के बारे में हम लोग अगले लेसन में और देखेंगे इसके बारे में। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।